வாகேஸ்ரீ. एक्सपीरियंस है, अब विचारधारा में अलग है, हम लड़ते हैं, हराएंगे. भारतीय जनता पार्टी जा रही है और गठबंधन आ रहा है. एंड आई थिंक दैट पीपुल विल वोट फॉर अस, नॉट फॉर बीजेपी, नॉट अ सिंगल पर्सन. नमस्कार, सुबह के 6 बज चुके हैं. आज तक पर आप सभी का बहुत स्वागत है. आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी, मेरे साथ श्वेता सिंह मौजूद हैं. दूसरे स्टूडियो में अंजना ओम कश्यप और रोहित सरदाना भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. उन सभी का हम रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले श्वेता, आज का दिन बेहद अहम है और रात में नेताओं को नींद आई होगी या फिर नहीं आई होगी, ये कहना बेहद मुश्किल है. लेकिन लगातार जिस तरह से आंकड़े हमारे स्क्रीन पे बदल रहे हैं, बिल्कुल एक क्रिकेट मैच के स्कोर की तरह उससे तेजी से बदलेंगे, तो नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि ये जो जहां पर आप हमें देख पा रहे हैं वहां पर लगातार विश्लेषण होता रहेगा, ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए रहेगा. लेकिन जो अपडेट आपको चाहिए आज तक के स्क्रीन पर एक एक चीज आपके सामने होगी, क्योंकि हम इस चुनाव का भी पूरा विश्लेषण करेंगे, लेकिन उससे बढ़कर एक एक सीट की जानकारी आपको देंगे. और हर खबर सबसे पहले सबसे तेज आज तक पर 542 संवाददाता 542 सीटों पर हमारे लगातार मौजूद रहेंगे. सबसे हम जानकारी लेते रहेंगे चित्रा, सबसे हम जानकारी लेते रहेंगे कि कहां पर कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, रुझान क्या आ रहे हैं. और एक बार फिर से आज तक की टीवी स्क्रीन को आप गौर से देखें, मेरी दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं. आपको बता दें इस तरफ एक एक करके राज्यों के नतीजे आपके सामने हम रखेंगे, किस राज्य में कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है. जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे और वो नतीजों में कन्वर्ट होते हुए चले जाएंगे, सबसे पहले यकीन मानिए सबसे सही विश्लेषण के साथ सटीक नतीजे आज तक आप तक पहुंचाएगा. और नीचे की तरफ आप नीचे की तरफ स्क्रीन पर देखिए, इस वक्त आपको एनडीए यूपीए अन्य दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे राज्यों के नतीजे आएंगे आपस में जुड़ते हुए चले जाएंगे, तो वो टोटल करके हम आपको दिखाएंगे कि एनडीए को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, यूपीए के खाते में कितनी और अन्य के खाते में कितनी जा रही है. तो ये बैट्समैन का स्कोर चलेगा यहाँ पर और यहाँ पर पूरी टीम का स्कोर चलेगा. तो दोनों देखिए, पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए. खत्म हुआ इंतजार, कुछ देर में तय हो जाएगा कि किसका होगा राज तिलक, किसके वादों पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ने किया भरोसा, किसे किया खारिज. 2019 के महाभारत का नतीजा आने में अब कुछ पल का ही इंतजार है. दूसरी ओर सियासतदान उम्मीदों के घोड़े पर सवार हैं, सबके अपने अपने दावे. अब की बार 300 पार, अब की बार, आपकी बार, फिर एक बार, फिर एक बार. एक्सपीरियंस है, आप विचारधारा में अलग है, हम लड़ते हैं, हराएंगे. कहीं मोतीचूर के लड्डू तैयार करवाए जा रहे हैं, तो कहीं बादाम पिस्ते से कमल बर्फी बनवाई जा रही है. जश्न की पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन ईवीएम खुलने के बाद ही तय होगा कि किसकी मिठाई में कितनी मिठास भरी हुई है. कुछ देर में तय हो जाएगा कि पीएम मोदी के वादों पर देश के लोगों ने कितना भरोसा किया, राहुल गांधी की न्याय योजना के नाम पर कांग्रेस को कितने वोट मिले, प्रियंका गांधी की सीधी एंट्री से कांग्रेस को कितना फायदा हुआ, यूपी में मायावती और अखिलेश के गठबंधन का क्या नतीजा रहा,
बिहार में आरजेडी कांग्रेस और आरएलएसपी का दांव कितना चला, बंगाल के लोगों को ममता बनर्जी पर भरोसा या बीजेपी पर, महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस की केमिस्ट्री को लोगों ने कैसे लिया, जयललिता और करुणानिधि की मौत के बाद कितनी बदली तमिलनाडु की राजनीति, उड़ीसा की सियासी जमीन पर बीजेपी की मेहनत का फल क्या मिला। नेताओं की आंखों से नींद गायब है, वक्त एक एक पल बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है, खासकर ममता बनर्जी का, जहां ममता के देखते ही देखते बीजेपी बंगाल में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई। ममता ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो कीबोर्ड बजाती दिख रही हैं, जिसमें लिखा गया है कि वो ये गीत माँ माटी और मानुष को समर्पित है, लेकिन ममता के चेहरे का भाव बता रहा है कि चुनाव के नतीजों को लेकर वो भी बेचैन है। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान के घर पर जीत के जश्न की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, मिठाइयां मंगवाई जा चुकी हैं, पटाखे तैयार हैं, बस नतीजों का इंतजार है। पूरे देश की नजरें अमेठी लोकसभा सीट पर भी हैं, जहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का मुकाबला स्मृति ईरानी से है। एग्जिट पोल अमेठी में कांटे का मुकाबला बता चुके हैं, तो नजरें वाराणसी लोकसभा सीट पर भी हैं, जहां मोदी के रिकॉर्ड मतों से जीतने की अटकलें लगाई जा रही हैं। सारी कोशिश कर लो, लेकिन आएगा तो आएगा तो आज तक ब्यूरो। सवाल सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है, क्या आएगा तो मोदी है, जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। फिलहाल बड़ी खबर आपको दे दिया, आ जाएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे, सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी वोटों की गिनती, 6:05 हुए हैं, लेकिन ठीक 8 बजे घड़ी की सुइयां जैसे ही 8 बजाएंगी उसके बाद वोटों की गिनती लोकसभा की 542 सीटों के लिए शुरू हो जाएगी। और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, और ऐसा नहीं है कि 6 से 8 के बीच कुछ हो नहीं रहा है। सारी चीजें जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और आप समझिए रथ जगे की रात थी, सारे लोग जगे रहे हैं, दूरबीन लेकर देखते रहे हैं ईवीएम, कहीं कोई छेड़छाड़, कोई गड़बड़ी, कोई बदलाव तो नहीं किया जा रहा है, और इसीलिए आज की सुबह उतनी ही निर्णायक 6 से 8 बजे तक भी। बिल्कुल 6 से 8 बजे तक भी, और बड़ी कवरेज यहां पर आज तक पर लगातार आप देख रहे हैं। हमारे संवाददाता अलग अलग हिस्सों से जुड़ चुके हैं, लेकिन जल्दी से आपको एक बार फिर से अपना सेटअप पूरा का पूरा दिखा देते हैं। श्वेता जहां खड़ी है उसके ठीक पीछे पार्लियामेंट आप देख रहे हैं, इसी संसद भवन के लिए आज नए सांसद चुने जाएंगे, और ये यहां पर कंप्यूटर बाबा, आपको बता दें इस कंप्यूटर बाबा के जरिए जितने भी सटीक नतीजे होंगे वो सबसे पहले आज तक आप तक पहुंचाएगा, और ये हमारी पूरी तैयारी हो गई है। हिंदुस्तान का मैप, इंडिया का मैप किस रंग में रंगता है, इस पर हमारी नजर रहेगी, और ये बड़ी सी स्क्रीन जो इस तरफ आप देख रहे हैं, यहां पर पूरे के पूरे आंकड़े जो कंप्यूटर बाबा आपको दिखाएंगे सही अंदाज में आप तक पहुंचाने की हमारी होगी कोशिश। घोड़े भी दौड़ेंगे, सेनाएं भी दौड़ेंगी जितना यहां से, लेकिन उससे पहले हमारे रिपोर्टरों की सेना हमारे साथ इस समय, हिमांशु मिश्रा बीजेपी दफ्तर से जुड़ रहे हैं, मुस्तफा शेख हमारे साथ नागपुर से जुड़ रहे हैं, शरद जयपुर से, कुमार अभिषेक लखनऊ से, सुजीत कुमार झा पटना से, यानी वो सारे राज्य आप समझ लीजिए कि वो सारे राज्य जहां पर अभी तक हमारे एग्जिट पोल के आंकड़ों ने जो दावे किए हैं उस पर बहुत छटपटाहट बहुत लोगों को हुई है, उत्तर प्रदेश तो बीजेपी को भी हुई है कि नहीं इतनी नहीं, हमारी तो इससे ज्यादा आने वाली है, महागठबंधन को इससे ज्यादा छटपटाहट रही है कि इतने हमारे तो इसके डबल से ज्यादा होने वाले हैं, लेकिन होने क्या वाला है। सबसे पहले हम आपको भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय हिमांशु मिश्रा के पास लिए चलते हैं। हिमांशु, आपको नहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में और कुछ नेताओं को भी क्या ऐसा अंदर में एहसास हो रहा है कि उन्होंने जल्दबाजी की है बहुत सारे पटाखे और मिठाइयां खरीद कर, या फिर एग्जिट पोल पर पूरी तरीके से उन्हें भरोसा था कि हम तो आज आने वाले हैं और किसी भी तरीके से हमारे जश्न में कोई खलल नहीं? देखिए बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़े नेता से अगर आप बात करेंगे तो वो यही कहेंगे कि बीजेपी इस बार 300 के पार जा रही है और एनडीए को 350 से ज़्यादा सीटें मिलने जा रही हैं, और ये वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार हुआ है और बीजेपी को समर्थन मिलता नजर आया है उससे ये उनका आत्मविश्वास ये कहता है कि ये इस बार जो है एक बार फिर से मोदी सरकार। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एग्जिट पोल में कुछ भी आया हो, लेकिन अब से कुछ देर के अंदर जब नतीजे खुलेंगे तो देखा जाएगा कि
कि बीजेपी ने बहुत सी तैयारियां कर रखी हैं अपने जीत के जश्न की, ना सिर्फ मिठाइयां बनवाई हैं बल्कि जो है कह सकते हैं कि पटाखे तक मंगा लिए गए हैं और रंग और गुलाल ये सब मंगा लिया गया है। लेकिन इंतज़ार रहेगा, जैसे जैसे नतीजे क्लियर होते जाएंगे उसके बाद बीजेपी की तैयारियों का जायज़ा मैं खुद आपको देता रहूँगा बीजेपी दफ्तर से, क्योंकि ये कहा जाता है कि जैसे ही जीत का जश्न शुरू होगा खुद अमित शाह जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बीजेपी दफ्तर आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगभग, अगर नतीजे बीजेपी के अनुकूल रहे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 5 बजे के आसपास जो है आपको बीजेपी दफ्तर में मिलेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे इस जीत को लेकर। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या जो एग्जिट पोल दिखा रहा है और जो बीजेपी सोच रही है उसी के अनुरूप नतीजे आते हैं या फिर कुछ उलटफेर होगा, जिस तरीके से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनावी नतीजों के दौरान हुआ था, बीजेपी ने सोचा कुछ था हो कुछ गया था, इन सब का इंतज़ार रहेगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी की तैयारियां जश्न से लेकर सरकार बनाने तक की पूरी हो चुकी हैं। श्वेता, महत्वपूर्ण बात है आपने बताई, जरा पीछे की तस्वीरें भी जब हम दोबारा आपके पास लौटेंगे आप जरूर दिखाइएगा। सीधे रुक कर लेते हैं लखनऊ का, हमारे संवाददाता वहां से भी बने हुए हैं और आपको बता दें राजधानी दिल्ली के लिए लखनऊ से ही होकर रास्ता आता है, तो वहां पर किस तरह की तैयारी है, राजनीतिक दलों की दिल की धड़कनें कैसी बढ़ी हुई, अभिषेक क्या जानकारी देंगे आप? देखिए चित्रा, हम पहले तो आपको दिखा दें, हम काउंटर सेंटर पर हैं लखनऊ के और लखनऊ में मतदान की मत गिनने की पूरी तैयारियां हैं और जो बूथ एजेंट होते हैं, जो पार्टियों के एजेंट हैं वो एक एक करके अंदर जा रहे हैं, यानी कि कुछ देर बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी गिनती की। लेकिन चित्रा, सबसे ज़्यादा नज़र इस बार लोगों की उत्तर प्रदेश पर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ये तय करेगा कि क्या सचमुच मोदी सरकार इस बार बनेगी या फिर कोई समीकरण उलट पुलट होगा। तो ये फिलहाल आप ये तस्वीरें देख रही हैं, लेकिन जिस तरीके के सर्वे आए हैं, जिस तरीके के एग्जिट पोल्स आए हैं वो साफ तौर पर ये दिखा रहे हैं, ये कौन लोग हैं जरा उनके बारे में भी विस्तार से बताइए, क्योंकि लंबी कतारें हम इस वक्त देख पा रहे हैं आपके पीछे। देखिए चित्रा, ये वो लोग हैं जो काउंटिंग के लिए जा रहे हैं, पार्टियों के वो एजेंट हैं जिनको की काउंटिंग के लिए जिन्हें भेजा गया है। तो तीनों पार्टियों के लोग हैं जो इस वक्त एक एक कर अपने अपने कमरों में जाएंगे और हर विधानसभा वाली जो ईवीएम रखी हुई है वहाँ ये लोग गिनती के दौरान मौजूद होंगे। यही वो लोग होंगे जिनके पास इस समय पटना चलते हैं, जहाँ से सुजीत कुमार जहाँ हमारे साथ हैं। सुजीत, बिहार से ही वो आवाज निकली सबसे पहले कुशवाहा की, जिसके बाद देखिए ना पूरे देश में किस तरह का माहौल धीरे धीरे बनता जा रहा है। रामचंद्र यादव वहां से बैठकर बंदूक लहराता हुआ, पुलिस ढूंढने गई तो मिले नहीं, वहां पर कितने आक्रामक हैं अभी सभी राजनीतिक पार्टियां, कैसे देख रहे हैं वहां पर ईवीएम पर, वहां नजर कैसे बनी हुई है? देखिए, जिस तरह के बयान आए और नेताओं के, उसके बाद से बिहार पुलिस ने पूरे बिहार में अलर्ट जारी किया है, तो इसी से समझा जा सकता है कि कितना संवेदनशील मामला है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जो आरएलएसपी के नेता है उन्होंने ये बयान दिया है कि सड़कों पर खून बहेगा अगर ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हुई तो। दूसरी तरफ रामचंद्र यादव ने हथियार लहराया, तो ये तमाम बातें जो हैं इसको मद्देनजर रखते हुए काफ़ी सुरक्षा के काफ़ी कड़े इंतजाम किए गए हैं पूरे बिहार में। और हम जहां मौजूद हैं ये पटना का एएन कॉलेज है और यहां पर दो लोकसभा क्षेत्र का यहां मतगणना होनी है, पाटलिपुत्र और पटना साहिब की। पटना साहिब में आपको पता ही है मुकाबला रविशंकर और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच में है और पाटलिपुत्र में केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव और मीसा भारती के बीच मुकाबला है। यहाँ अभी का जो माहौल है आपको हम दिखाना चाहेंगे कि अभिकर्ता जो हैं, मतदान अभिकर्ता, वो 6 बजे से लगातार अंदर जाना उनका शुरू हो गया है और कुछ समर्थक भी धीरे धीरे जमा हो रहे हैं। हालांकि ये रोड पूरी हो चुकी है, इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि जैसे ही घड़ी की सुई 8 बजाएंगे और उसके बाद मतगणना का काम शुरू हो जाएगा, सबसे पहले बैलेट पेपर उनकी गणना की जाएगी और उसके बाद ईवीएम खुलेगा, ईवीएम का पिटारा खुलते ही ये साफ होने लगेगा कि इसकी बनने जा रही है इस देश में सरकार। फिलहाल दूसरे स्टूडियो का हम रुख कर लेते हैं, अंजना ओम कश्यप, रोहित सरदारा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, वहां की क्या तैयारी है बताएंगे आपको अंजना। अंजना, बिल्कुल 8,000 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत तय होगी तो इस देश की शीर्षस्थ कुर्सी की भी आज किस्मत तय होगी। रोहित सरदाना हमारे साथ है, संजय कुमार जी सुबह सवेरे पहुंच गए हैं। देखिए, ईवीएम पर गंभीर आरोपों के बीच
विपक्ष का खून खराबे और हिंसा के आरोपों और धमकी के बीच आज की परिस्थिति देश की क्या रहती है, इस पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है, ये मानना है तमाम पार्टियों का। तभी तो हवन पूजन की शुरुआत हो गई है। बीते दिन से ही अलग अलग जगहों पर कन्नौज से तस्वीर आई थी समाजवादी पार्टी की, आज बीजेपी वाले भगवान को याद कर रहे हैं। और सामने अगर सही हूँ तो तस्वीर अमित शाह और महेंद्र नाथ पांडे की लगा रखी है रोहित जी। बिल्कुल, उनकी तस्वीर हाथ में लिए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। और साथ ही साथ जो खबर आई है आज, कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ जो कि छिंदवाड़ा से अपने पिता के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद उनकी पारंपरिक सीट जो कही जाती है छिंदवाड़ा, जहाँ से वो लगातार जीतते रहे पिछली कई बार से, वहाँ उन्होंने आज सुबह सुबह पूजा पाठ किया है। इसके अलावा मथुरा से दावेदारी दोबारा पेश कर रही है हेमा मालिनी अभिनेत्री बीजेपी के टिकट पर, उन्होंने भी आज सुबह सुबह पूजा पाठ किया है। इसके अलावा देश के अलग अलग शहरों से लगातार तस्वीरें आती रही हैं, लगातार खबरें आती रही हैं जहां बीजेपी कार्यकर्ता हवन पूजन कर रहे हैं। खासतौर पर एग्जिट पोल्स में जिस तरीके की बढ़त बीजेपी को दिखाई दी है उसके बाद बीजेपी की उम्मीदें परवान चढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी कैबिनेट के मंत्रियों को बुलाया था एक आभार प्रकट करने के लिए, उनके साथ एक बैठक हुई थी, एनडीए के सहयोगियों का डिनर हुआ था, जिस पर लोगों ने कहा कि ये आत्मविश्वास देखिए इतना ज्यादा है बीजेपी का कि कैबिनेट की मीटिंग तक पहले से बुलानी शुरू कर दी प्रधानमंत्री ने, और आगे के कार्यक्रम यानी कि 2022 तक के अपने संकल्प पत्र को भी देश के सामने बीजेपी ने और एनडीए ने रख दिया, ये मानते हुए कि जो एग्जिट पोल में रुझान आ रहे हैं वही नतीजे भी होंगे और बीजेपी की जीत कुछ कुछ उसी की तरह होगी जैसी एग्जिट पोल्स दिखा रहे हैं। संजय कुमार, 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होने वाली है, करीब 1.5 घंटे बाकी हैं, आप अभी भी एग्जिट पोल के साथ हैं या? सवाल है कि कौन सा एग्जिट पोल, क्योंकि कई तरह के एग्जिट पोल हैं, लेकिन सब एग्जिट पोल एक बात का संकेत दे रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आ रही है। इस एग्जिट पोल के अगर ये अनुमान है तो मैं बिल्कुल इसके साथ हूँ, लेकिन कई अनुमान है जो कोई बहुत ज्यादा सीटें दे रही है, कुछ थोड़े कंजर्वेटिव सीट दे रहे हैं, इसमें हमें पता नहीं मैं कहां खड़ा हूं। चलिए, कहां खड़े हैं हर कोई ये समझने की कोशिश कर रहा है, जिससे भी मिलिए यही कहता है आपका एग्जिट पोल सही होगा या नहीं। बहरहाल एग्जिट पोल के आंकड़े भी हमने दिखाए, आज नतीजों का इंतजार है। देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए, हिमांशु वहां पर मौजूद है जहां मिठाइयों और लड्डुओं की लाज रहनी है। जी हां, अगर मिठाई और लड्डू बने हैं तो उनकी लाज आज बीजेपी दफ्तर में रखी जाएगी या नहीं, वहीं से हिमांशु हमारे साथ है। हमारे साथ अभिषेक लखनऊ से, जिस गठबंधन ने सीधे चुनौती दी नरेंद्र मोदी को, उस गठबंधन की ताकत पर इस देश की राजनीति का भविष्य लिखा जाएगा। अभिषेक वहां से है। वहां से हमारे साथ सुजीत है जहां पर हिंसा की धमकी उपेंद्र कुशवाहा ने दी, रामचंद्र सिंह यादव निर्दलीय उम्मीदवार ने दी बिहार से। अब आपको लिए चलते हैं शरद के पास जो राजस्थान से, जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजस्थान से बीजेपी को बड़ी उम्मीदें हैं और उनको लग रहा है रिपीट परफॉर्मेंस होगा, एग्जिट पोल देखें तो वही दिख रहा है, स्वीप का मामला है क्या वाकई शरद? बिल्कुल अंजना, कह सकते हैं कि जिस तरह से राजस्थान में माहौल रहा है, आपको आश्चर्य नहीं हो कि एग्जिट पोल के नतीजे बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि जहां भी हम गए एक अजीब टाइप का माहौल दिखा कि नरेंद्र मोदी को वोट देना है। कई जगह हमने गए, कई जगह बात की, जो खेत में मजदूरी कर रहे थे उनसे हम बातचीत की कि आप क्यों किसको वोट दे रहे हो, तो मोदी को क्यों दे रहे हो, तो पायलट ले आयो। अब पायलट ले आयो, खेत अभिनंदन को लाने पर वोट दे रहे थे। किसी महिला से हमने लाइन में लगी थी, वो वोट देने के दिन हमने पूछा कि किसको वोट दे रहे हो, तो उन्होंने कहा बीजेपी को वोट दे रहे हैं। कि क्यों दे रहे हो, तो देश को आजाद कराना है। किसी व्यक्ति से पूछा हमने क्यों बीजेपी को वोट दे रहे हो, तो उन्होंने कहा कि धारा 370 लगा देगा या हटा देगा, ये भी पता नहीं था। तो जिस तरह का माहौल हमने जमीन पर देखा ना, अजीब टाइप का माहौल था, लोग निकल रहे थे घरों से बीजेपी को वोट देने के लिए। इसलिए एग्जिट पोल के जो भी अनुमान आए हैं उस पर हम बहुत ज्यादा शक नहीं कर रहे हैं। राजस्थान का एक इतिहास भी रहा है, चाहे 77 का हो चाहे 2014। आप जो कह रहे हैं कि एग्जिट पोल सटीक हो सकते हैं, इसका मतलब ये कि राजस्थान में विधानसभा में कुछ भी हुआ हो, लोकसभा के चुनाव में मोदी लहर है, जिसको लेकर बहुत सारे विश्लेषक जब तक एग्जिट पोल नहीं आया था कुछ भी कहने से हिचक रहे थे।
बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ कि राजस्थान का जो मिजाज है रोहित, चाहे 77 का देख लो, 84 का देख लो, 2014 का देख लो, जब देश में एक लहर टाइप की होती है तो राजस्थान उस पर शवार नजर आता है, सारी की सारी सीटें देता है जिस लहर की होती है। अशोक गहलोत 156 सीट लेकर पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे तो करगिल हुआ और उसके बाद 17 सीटें बीजेपी जीती थी इसके 3-4 महीने बाद ही। तो राजस्थान में हम विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बहुत ज्यादा कोरिलेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि राजस्थान का एक मिजाज रहा है कि जब कहीं भी एक लहर उठती है तो उस लहर के साथ जनता निकल पड़ती है। यही बेचैनी अशोक गहलोत को खाई जा रही है। जब से एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं दिल्ली से लेकर जयपुर तक कांग्रेस में मंथन चल रहा है कि इस मंथन से जो विष निकलेगा उसको कौन पिएगा। अगर 23 सीटें भी जिस तरह से एग्जिट पोल हमारी दिखा रहे हैं वो भी आती है तो 25 और 23 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता है। राजस्थान की राजनीति के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा कि जिस तरह से अशोक गहलोत सचिन पायलट में रस्साकसी चली थी मुख्यमंत्री पद के लिए, एक बार फिर से शुरू हो सकता है कि अगर इस तरह के एग्जिट पोल के नतीजे आए। और आप ही फिलहाल यहाँ पर गहलोत साहब का सबसे ज्यादा ध्यान अपने बेटे वाली सीट पर। दिखाइए राजवर्धन सिंह राठौर के जो मुकाबला है यहाँ पर मतगणना 8 बजे शुरू होगी और उनके जो अपने अपने एजेंट हैं सब अंदर जा चुके हैं, हालांकि उम्मीदवार अभी नहीं आए। कहा जा रहा है कि राजवर्धन सिंह राठौर और कृष्णा पुनिया करीब 8 बजे के आसपास पहुंचेंगे जब मतगणना यहाँ से शुरू हो जाएगी। लेकिन ये भी एक हाई प्रोफाइल सीट है, इसी तरह से जो आप चर्चा कर रहे थे बाबा गहलोत के वैभव, कल से अपने जो पारिवारिक मंदिर होता है वहाँ सिरोही में जाकर पूजा पाठ कर रहे थे। तो एक तरह से बेटे को लेकर जितने मेहनत की है, अगर बेटा हार जाता है, जो कि सारे एग्जिट पोल के नतीजे वहां के जो हालात बता रहे हैं कि वो हार सकते हैं, अगर हार जाता है तो एक बड़ा सेटबैक होगा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए, क्योंकि वो कहकर ये मुख्यमंत्री बने थे विधानसभा चुनाव के बाद कि अगर मैं मुझे मुख्यमंत्री बनाओगे तो लोकसभा में 25 की 25 सीटें मैं दे सकता हूँ, यही भरोसा करके उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। तो ये एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। शरद, ये नारा था कि रानी तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं, वही शायद से दिखेगा अगर एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील हो। तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। मुस्तफा शेख हमारे साथ इस वक्त नागपुर से जुड़ रहे हैं। मुस्तफा, महाराष्ट्र पर बीजेपी को बहुत उम्मीदें थी बीजेपी को और एग्जिट पोल भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहे हैं, लेकिन नागपुर जहां आप मौजूद हैं, आरएसएस का हेडक्वार्टर, नितिन गडकरी एक और दिग्गज जिनका भविष्य, क्या तस्वीर वहां की दिखाई दे रही है? कुछ ही देर का अब इंतजार है मुस्तफा। बिल्कुल, 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, 40 मिनट लगने वाले हैं काउंटिंग के लिए ऐसा माना जा रहा है। नितिन गडकरी डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांग रहे थे, वहीं पर नाना पटोले किसान नेता है, किसान लीडर, इसलिए मास मूवमेंट अपने पास रखते हैं। लेकिन फिलहाल जो नागपुर में हालत है ये बताते हैं आपको कि नाना पटोले ने भी यही कहा है कि अगर जो उनकी स्ट्रांग कॉन्स्टिट्यूएंसीज है नागपुर की, अगर उसमें गड़बड़ी होती है और उसमें उन्हें वोट नहीं मिलते हैं तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए नागपुर में भी पुलिस सिक्योरिटी जो है, पुलिस फोर्स बल है, वो पूरा तैनात किया गया है, ईवीएम पर नजर रखी गई है, जहां भी आप कह सकते हैं सेफ्टी सेंटर्स थे और पुलिस जो है वो जगह जगह पर है। और साथ ही साथ जो विपक्ष है उसे पूरी तरीके से आश्वासन दिला रहा है इलेक्शन कमीशन सारे फुटेजेस दिखा करके ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है। अब देखना ये होगा कि जब काउंटिंग सेंटर पे रिजल्ट आना शुरू होते हैं तो नतीजे क्या निकलते हैं। चलिए वापस आते हैं मुस्तफा आपके पास, बीजेपी दफ्तर लिए चल रहे हैं एक बार। हिमांशु मिश्रा वहां पर इस समय मौजूद है। हिमांशु, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं मिर्जापुर की जहां लड्डू बन रहे हैं, गया की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां लड्डू बन रहे हैं, दिल्ली बीजेपी के दफ्तर ने भी हमने सुना, तस्वीरें भी देखी, लोगों ने ट्विटर पर शेयर की हैं कि लड्डू से बने केक का ऑर्डर कर दिया है। लेकिन ये बीजेपी मुख्यालय इस बार बड़ा फूंक फूंक के कदम रख रहा है, चक्कर क्या है? तस्वीरें नहीं सामने आने दे रहे आप लोग कि भाई लड्डू वड्डू बन रहे हैं, क्या तैयारी हो रही है, क्या जश्न मनाया जाएगा बाद में उसका? देखिए रोहित, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से सोशल मीडिया से लेकर तमाम हमारे कैमरों पर जो तस्वीरें कैद हुई हैं लड्डू बनाते हुए, वो छुपा कर नहीं की जा रही है बीजेपी की तरफ से। अगर आप देखें तो कहीं बर्फी बनाई जा रही है, कहीं लड्डू बनाए जा रहे हैं, कहीं केक बनाया जा रहा है। तो ये तमाम तरीके हैं ये जो बताता है कि बीजेपी कितने आत्मविश्वास से भरी हुई है इस चुनाव को लेकर। और यही कह सकते हैं कि बीजेपी का आत्मविश्वास है कि एक तरफ पूरा ऑपोजिशन जो है ईवीएम पर हाहाकार मचा रहा है और वो कह रहा है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता से लेकर नेता तक ये कह रहे हैं कि उनको 300 से 350 सीटें जो है एनडीए को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं, और
दूसरी तरफ ईवीएम को लेकर सवाल है, तो बीजेपी एक तरफ सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है। मैं आपको बता दूं कि यह माना जा रहा है कि 25 या 26 तारीख को बीजेपी के पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग बुलाई जा सकती है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से जो है अपने संसदीय दल का नेता जो है वो चुना जा सकता है। तो इस तरीके की तैयारियां बीजेपी की तरफ से पहले ही हो चुकी हैं, तो ये कहना कि बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता ये तैयारियां छुपा रहे हैं, ये कहीं लाजमी नहीं होगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश आप देख सकते हैं कि वो बाहर निकली हैं सुबह सुबह और सूर्य नमस्कार ये कर रही हैं, और इसके बाद बताया आपको कि बयान दिया देश में बवाल आ गया, जिसके बाद वो अपने घर से बाहर निकली, लेकिन आज माना जा रहा है कि मतगणना आज प्रभु की आराधना, लेकिन इन सब के बीच आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। रवीश हमारे साथ जुड़े हैं, रवीश पूजा करने निकली है, लग रहा है सूर्य देवता की पूजा कर रही है। रवीश, भले ही कांग्रेस हो बीजेपी हो, सबने अपनी अपनी तरफ से कोशिश की थी अपने आप को सच्चा भगवा भक्त बताने की, और ये एक तस्वीर जो है वो साफ इशारा कर रही है कि चुनाव भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन जो हिंदुत्व का एजेंडा था वो पूरी तरीके से भोपाल पर छाया रहा, और अब जब फैसले की घड़ी आ पड़ी है तो ये भी एक तस्वीर है जो साफ इशारा कर रही है कि जिस एजेंडे को लेकर के साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बीजेपी आगे बढ़ रही थी उसको अब आगे जारी रखना भी है, और देखना यह है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं अब तक वो पूरी तरीके से जो असली नतीजे हैं उस पर रिफ्लेक्ट हो पाते हैं या नहीं। लेकिन इन सब के बीच की ये एक बेहद सुबह की तस्वीर जो साफ तौर पे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो कि अपने विवादित बयानों की वजह से काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, भले ही प्रचार के लिए कम वक्त मिला हो, लेकिन इनके बयानों ने खूब सुर्खियाँ बटोरी, और अब इन सब के बीच साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो 21 प्रहर के मौन व्रत पे थी, अपने बयानों को लेकर के जिन लोगों को ठेस पहुंची उनके लिए इन्होंने मौन व्रत रखा था, और मौन व्रत के बाद अभी भी मौन व्रत पे है क्योंकि मौन व्रत इनका खत्म नहीं हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में ये जो तस्वीर है ये साफ है कि सूर्य नमस्कार करके फिलहाल साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर यहाँ पर जितने भी बयान इन्होंने अपने दिए हैं उसे अब प्रायश्चित कर रही हैं, और सूर्य नमस्कार के जरिए क्योंकि दिनचर्या इनकी होती है, साध्वी हैं प्रज्ञा सिंह ठाकुर, तो अपनी दिनचर्या के तहत सूर्य नमस्कार करके आज सबसे बड़े दिन का, फैसले के दिन का शुभारंभ कर रही हैं साध्वी प्रचार वाली पूजा होती है। रोहित, एक प्रचार वाली पूजा होती है और एक नतीजों वाली पूजा भी हम देख रहे हैं, बहुत कुछ निर्भर करता है। आप कह लीजिए कि फिलहाल इन चुनावों में अगर धुरी विवाद की एक सबसे बड़ी उभरी तो इसी भोपाल से, जहां साध्वी प्रज्ञा को भगवा आतंकवाद के शब्दों के खिलाफ बीजेपी ने उतारा था, लेकिन गोडसे पर उनके बयान ने नए बवाल में इसी पार्टी को। हालांकि साध्वी प्रज्ञा की तस्वीरें जो दिख रही हैं उनको देखकर लगता है कि वो रूटीन वाली पूजा है जिस तरीके की वो सूर्य आराधना कर रही है, लेकिन एक बात और तय है, मौन व्रत टूटेगा तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही टूटेगा, और नतीजे किस दिशा में जाते हैं इस पर भी बहुत हद तक निर्भर करेगा कि मौन व्रत कब टूटता है। दस दिन का टाइम भी दिया गया है पार्टी की तरफ से। बीजेपी अध्यक्ष ने, जब ये सवाल मैंने प्रधानमंत्री से पूछा था, तो बीजेपी अध्यक्ष ने कहा था स्वागत करेगी पार्टी जीतने के बाद या फिर बाहर का रास्ता दिखाएगी, कहा था कि 10 दिन का नोटिस है इनको जवाब देना। जयाप्रदा का बयान, बहुत ही एक्साइटमेंट है और हम जीत रहे हैं, 100% हम जीत रहे हैं, और जनता की आवाज है ये, जनता की लड़ाई है ये धर्म युद्ध में हमारी ये जीत होगी, और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जो जनता की आवाज़ है, जनता की जो उम्मीद है कि फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो इसी सिलसिले में रामपुर में भी हमारे लिए जितना प्यार लोगों ने दिया है, जितने समर्थन लोगों ने दिया है, और ये लड़ाई जो है महिलाओं की अस्मिता की लड़ाई है, महिलाओं के सम्मान की लड़ाई है, और ये लड़ाई जो है गरीबों की आवाज़ की लड़ाई है, तो मुझे उम्मीद है पूरी तरह जिस तरह मोदी जी के लिए प्रधानमंत्री बनने के लिए हम भी इस चुनाव जीतकर उनके विजय के लिए, उनके जीत के लिए हम भी हिस्सेदार बनेंगे। देखिए पूरी रात ऐसे ही लगा कि कब सुबह होगी, कब सुबह होने पर मतदान होने के बाद, एक महीना बहुत लंबा समय होता है और ऐसा लग रहा कि ये महीना नहीं एक साल गुजरा है, तो अंदर से बहुत कुछ मतलब खुशी भी है, अंदर से धड़कन भी है, तो अच्छा ही होगा। आजम खान के लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना करेंगे, बिल्कुल भगवान ने चाहा तो उनके गुरूर तोड़ेंगे, और इस बार जो है जनता की ये लड़ाई में कोई सामने कोई टिक नहीं पाएंगे,
तो आज हम उम्मीद करते हैं कि विजय प्राप्त हो और इस रामपुर में खुशहाल रहे। महिलाओं के सम्मान के लिए आज कितनी बड़ी परीक्षा है, ये महिलाओं की अस्मिता की रक्षा करने वाली ये लड़ाई में सचमुच मैं ये कहना चाहती हूँ कि जनता की ये जीत होगी और रामपुर में एक बार और लोगों को एक मिसाल बनेगा और महिलाओं के सम्मान की ये लड़ाई में हमारी जीत होने वाली है। तो जयप्रदा जीत की उम्मीद जता रही हैं। आजम खान जो कभी उनके साथ हुआ करते थे, जिनकी मदद से उन्होंने रामपुर की संसदीय सीट हासिल की, इस चुनाव में आजम खान उनके सामने हैं और अपने बयान की वजह से आजम खान और जयप्रदा के बीच तीखी तकरार भी इस चुनाव के दौरान देखने को मिली, जो लड़ाई चुनाव आयोग तक। कुछ ही देर में नतीजों की होगी शुरुआत, लगातार ये आंकड़े बढ़ेंगे। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जबरदस्त कवरेज, ऐसे ग्राफिक जो आप कहीं और नहीं देखेंगे, बस बने रहिए हमारे साथ। लेकिन हेडलाइन